किसी की बहू बाजरी, किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रे। किसी की बहू बाजरी, किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रे। मतलब उनकी घराली कौन मानना उनकी, और ठेका ले रखा था किसानों का। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे। इतना बड़ा पद है कृषि मंत्री, और इतने जिम्मेदार व्यक्ति और इस पद के लायक ही नहीं है जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। जल्द से जल्द अपनी इस भाषा का सुधारीकरण करके किसान बिरादरी से माफी मांगे, नहीं तो भाई आंदोलन लड़ने भूले नहीं है हम। हमने आंदोलन लड़ने भी आते हैं, और हमने जो इनकी अकड़ से वो काटने भी आती है हम, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन होगा शहर के अंदर, बिल्कुल भी इसको घुसने नहीं दिया जाएगा। यदि ये सुधारीकरण नहीं करता है तो इस आंदोलन को पूरे हरियाणा लेवल पे सभी खापों के किसान संगठनों के मिलकर और बड़ा आंदोलन हो सकता है इसमें, तो जल्द से जल्द कृषि मंत्री ने अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के किसानों पर एक और विवादित बयान के बाद प्रदेश भर में जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल सोमवार को भिवानी के कृषि मेले में पहुंचे जेपी दलाल ने आंदोलनकारी किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उनकी बहु बेटियों पर ही भद्दी टिप्पणी कर डाली थी, जिसके बाद से प्रदेश भर के किसान नेताओं में भारी आक्रोश है। अब चरखी दादरी की फोगाट खाप भी उनके विरोध में उतर आई है, जिसके चलते खाप प्रधान बलवंत नंबरदार ने उन्हें चेतावनी देते हुए उनकी अमर्यादित भाषा के लिए माफी मांगने को कहा है, और ऐसा न करने पर सर्वजातीय सर्व खाप की पंचायत बुलाकर बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले व्यक्ति को मंत्री पद पर भी बैठने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए सरकार को उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है, इस बयान में जैसे पूरे समाज का जो ताना बाना है, हमारा भाईचारा है, उस पूरे समाज के ही खिलाफ बोल रहे हैं वो, तो पूरे समाज से ही उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए जल्द से जल्द। नहीं तो इस बारे में देखो, जल्द से जल्द पूरे दादरी जिले की सभी खापों की, सभी किसान संगठनों की, सभी कर्मचारी संगठनों की एक जल्द से जल्द मीटिंग बुलाएंगे, और उस मीटिंग से पहले यदि माफ़ी मांग लेता है तो ठीक है, अपना सुधारीकरण कर लेता है तो ठीक है, अपनी जो भाषा बोल ली है उन्होंने, नहीं तो जल्द से जल्द ये बड़ा आंदोलन होगा। और उस आंदोलन में आपने भी देखा है, किसान आंदोलन के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जो लीडर थे उनका बहिष्कार किया था, काले झंडे दिखा के विरोध कराया करते, तो हम अभी भी फिर उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी इस भाषा को सुधारीकरण करके हमारी सम्मानित किसान बिरादरी से, पूरे समाज की, हमारी माताओं बहनों से तुरंत मतलब माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांग के और जो जिम्मेदार आदमी है इस पद के ऊपर भी इसको नहीं रहने देना चाहिए, इस पद से भी इस्तीफा लेना चाहिए इनका। क्योंकि आप ये देखो कि भाई इतना बड़ा पद है कृषि मंत्री, और इतने जिम्मेदार व्यक्ति और इस पद के लायक ही नहीं है जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो हम तो इनसे कड़े शब्दों में ये कह रहे हैं बार बार से कि भाई सर्वजातीय खाप फोगाट 19 ये उनसे अनुरोध कर रही है कि जल्द से जल्द अपनी इस भाषा का सुधारीकरण करके किसान बिरादरी से माफ़ी मांगे, नहीं तो भाई आंदोलन लड़ने भूले नहीं है हम। हमने आंदोलन लड़ने भी आते हैं, और हमने जो इनकी अकड़ से वो काटने भी आती है, तो हम नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन होगा शहर के अंदर, बिल्कुल भी इसको घुसने नहीं दिया जाएगा। जैसे किसान आंदोलन में आपने देखा होगा शांतिपूर्वक अनुशासन में रह कर काले झंडे दिखाया करते, तो वही बात होगी। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे समाज से इन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारी माताओं और बहनों से। इस मामले में हम दलाल खाप से भी बात करेंगे, दलाल खाप के प्रधान जी से भी मैं बात करूंगा, और यदि ये सुधारीकरण नहीं करता है तो इस आंदोलन को पूरे हरियाणा लेवल पे सभी खापों के किसान संगठनों के मिलकर और बड़ा आंदोलन हो सकता है इसमें, तो जल्द से जल्द कृषि मंत्री ने अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, हमारे समाज की माताओं बहनों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं खाप प्रधान बलवंत नंबरदार ने कड़े शब्दों में कहा कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर समाज के ताने बाने को तोड़ने का काम किया है। ऐसे में फोगाट खाप ने निर्णय लिया है कि सर्वजातीय सर्व खाप की पंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें हरियाणा की सभी खापों को निमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही महापंचायत में किसान आंदोलन की तर्ज पर बड़ा आंदोलन करने की रणनीति तैयार की जाएगी। इसलिए अगर कृषि मंत्री अपनी खैरियत चाहते हैं तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, अन्यथा विरोध झेलने को तैयार रहें। चरखी दादरी से पुनीश ओराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।